एक तरफ हरियाणा सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी हुई, तो वहीं हिसार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का संघर्ष जारी है। संघर्ष कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पूरे हरियाणा में प्रदर्शन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारियां भी दी हैं। हिसार में भी लघु सचिवालय के बाहर जुटी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई। साथ ही किसान सभा और संयुक्त कर्मचारी संघ ने भी आंगनबाड़ी वर्कर्स के समर्थन में प्रदर्शन किया। सरकार की तरफ से मानदेय बढ़ाने को लेकर प्रदर्शनकारियों ने कहा, सरकार ने भले ही मांगों को लेकर सहमति बनने की बात की, लेकिन इसे लेकर लेटर जारी नहीं किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने इसे ट्रेलर बताया और आने वाले दिनों में बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। आंगनवाड़ी वर्करों की तरफ से आज सामूहिक गिरफ्तारियां देने का ऐलान किया गया था, उसी के मद्देनजर हिसार के लघु सचिवालय परिसर पर किस तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रदर्शन करके अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। इनका समर्थन करने के लिए सर्व कर्मचारी संघ भी मैदान में उतरा है। बहरहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार नारेबाजी की जा रही है। दूसरी तरफ सामने बस लगा दी गई है, जिसमें सामूहिक तौर पर गिरफ्तारियां देने का दौर जो है वो शुरू हो चला है। बस में आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो सवार होती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर एहतियात के तौर पर किए गए इंतजामों की बात कर ली जाए, तो सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। बाकायदा पुलिस जो है यहाँ पर तैनात की गई है। किस तरह से इनका प्रदर्शन रहेगा, क्या मांगे थी इनकी, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या जी 2018 में जो खट्टर सरकार ने समझौता किया था, हम कह रहे हैं उसको लागू कर दे। उसमें उन्होंने ये कहा था कि 3 लाख इनके रिटायरमेंट पर देंगे और अर्ध कुशल और कुशल का दर्जा इन महिला आंगनवाड़ी वर्करों को और हेल्परों को देंगे। और मोदी साहब ने भी घोषणा करी थी 1500 रुपये वर्कर के, 750 रुपये मन की बात में उन्होंने घोषणा की थी 2 साल पहले, उनको लागू ये नहीं कर रहे। इसी प्रकार से पले स्कूल के नाम पर इस आंगनवाड़ी महकमे का जो है वो निजीकरण करने की तैयारी में, हमें पले स्कूल नहीं चाहिए, हम कोई ट्रक वगैरह की भी इस तरह की बातों का इनकार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें कर्मचारी घोषित किया जाए। आप बताइए जी, क्या मांगे क्या है आपकी, क्या दिक्कत है? हमारी 2018 की मांगे थी, जिसमें 750 और 1500 की मांगे थी और हमें परमानेंट करने की कह रहे थे, अर्ध कुशल और कुशल मांगे कह रहे थे। ये हमारी जबान फिसल गई, ये सरकार का बयान है। आप बताइए जी, क्या क्या मांगे क्या है, अगली रणनीति क्या बनाई है, क्योंकि सहमतियाँ तो सरकार के साथ बन गई थी। यूँ है जी, अग्री में आगे की रणनीति के बारे में आप बोल रहे हो, जैसे 10 तारीख को बुलाया था उस पर कोई समझौता नहीं हुआ, उसके अगेंस्ट से हमने ये जेल भरो आंदोलन किया। आज हम ये प्रशासन को, खट्टर सरकार को ये दिखाना चाहते हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम इसी तरीके सड़क पे डटे रहेंगे और अपनी मांगे पूरी करवा के हम घर जाएंगे। लेकिन 1 तारीख को जो समझौता हुआ था, जो बातचीत हुई थी, जो घोषणाएं हुई थी, उसका क्या रहा, क्योंकि उनकी तरफ से तो ये कहा गया था कि सहमतियां बन गई हैं। उसका ना तो कोई लेटर आया ना है, और किसने सहमति जताई है, किसने के करा, 2-4 उसके दल ले बैठे उन पर सहमति कर दे, रोड़े वे खत्म कर दे उस कहानी ने। आज का तो एक बार यो देख ले, आप देखने लाग रहे हो इस प्रशासन पति भी बस पूरी को नहीं होने लाग रही। और जब न्यू मानो हम को नहीं मार गए, हमारे घर के सारे उतरे आगे तो कड़े हो जागे बढ़ेगा, सब तो बड़ी रणनीति है हमारे, तो भी पूरी तरह आक्रोश मारे हैं सारे। और जब तक हमारी मांगे पूरी ना होगी, मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हम यूं सड़कों पर डटे रहेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।